आरसीआई एजुकेशन हब्बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के आधार पर वाक्य विचार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विस्मयादिवाचक वाक्य। देखिए विस्मयादिवाचक वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, उसे कहते हैं विस्मयादिवाचक। परिभाषा लिखेंगे हम, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। तो देखिए एक बात, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए हर्ष का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता, शोक का अर्थ है दुख, घृणा का अर्थ है नफरत और विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जैसे आहा, इतना मीठा आम। उदाहरण लिया हमने आहा, कितना मीठा आम। या आहा शब्द है, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है, कितना मीठा आम, अर्थात आम मीठा है, आम में मिठास का भाव है। तो यहाँ किसकी प्रधानता है, हर्ष की, प्रसन्नता, खुशी का भाव व्यक्त हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा वाक्य होगा, विस्मयादिवाचक वाक्य। दूसरा उदाहरण है अरे महल तो बहुत ही सुंदर है। आपने किसी महल को देखा और देखते ही आपके मुंह से अचानक निकला अरे महल तो बहुत ही सुंदर है। या अरे शब्द विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जो किसका भाव प्रकट कर रहा है, विस्मय का, आश्चर्य का, अर्थात महल को देखते ही आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तीसरा उदाहरण है हाय यह क्या हो गया। हाय शब्द के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यह क्या हो गया, यानी कोई दुखी घड़ी ऐसी आई जिसके दुख की घड़ी के अंतर्गत आपके मुंह से निकला हाय। हाय का मतलब ये हाय दुख का सूचक है, शोक का सूचक है, तो यहाँ किसकी प्रधानता है, शोक। लास्ट उदाहरण है छी, इसे यहां से ले जाइए, छी इसे यहां से ले जाइए, यानी इसमें घृणा का, नफरत का भाव व्यक्त है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी को भी यदि घृणा होती है तो उसके मुंह से यही निकलता है, इसे यहाँ से ले जाइए। तो इस प्रकार से विस्मयादिवाचक वाक्य था, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, वो क्या होता है, विस्मयादिवाचक वाक्य। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य में जिस वाक्य में इच्छा, कामना, अभिलाषा, सुवासीस, आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त होता है, वो कौन सा वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य। हम इसकी परिभाषा इसको उठा लेंगे, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, अभिलाषा,
आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त होता है। इच्छावाचक वाक्य कहलाता है, जैसे ईश्वर सभी को सुखी रखे, ईश्वर सभी को सुखी रखे। या कौन सा व्यक्ति, किसी की इच्छा है, मन की इच्छा है कि ईश्वर भगवान सभी को सुखी रखे। दूसरा उदाहरण है, देखिए दोनों उदाहरण समान से है लेकिन अंतर है। ईश्वर सभी को सुखी रखे, किसी की मन की कामना है, इच्छा है कि ईश्वर सभी को सुखी रखे। यहाँ इच्छा कामना अभिलाषा एक ही शब्द के पर्यायवाची है, इच्छा कामना अभिलाषा का भाव व्यक्त हुआ है। और दूसरे उदाहरण में सदा सुखी रहो, किसी ने किसी को क्या दिया है, आशीर्वाद। तो देखिए जिस वाक्य में इच्छा कामना अभिलाषा सुवासिस या आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य, इसे संदेह सूचक वाक्य भी कहते हैं। परिभाषा, जिस वाक्य में किसी भी कार्य के संपन्न होने में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए जिस वाक्य में किसी भी कार्य के संपन्न या पूर्ण होने में संदेह, शंका या संभावना प्रकट की जाती है, संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद राम कल घर आएगा, यहां शायद शब्द है, शायद शब्द के माध्यम से क्या प्रकट किया गया, संदेह, यानी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो यहाँ कहा गया कि शायद राम कल घर आएगा, तो यहाँ संदेह प्रकट किया गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, संभवतः वर्षा हो जाए, यानी किसी को पूर्ण जानकारी नहीं है वर्षा होने की, बादलों को देखकर, आकाश में बादलों को देखकर केवल संभावना प्रकट की गई है कि संभवतः संभावना है वर्षा हो जाए। आज के लिए इतना ही काफी, इसके बाद जो बच गया उसकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।